नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया, केडिया कमोडिटी के, प्रथमेश मालिया हैं एंजल ब्रोकिंग के, संदीप बजोरिया हैं सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे तेल और तिलहन की खबर के साथ। जोरदार गिरावट आई है तेल और तिलहन की कीमतों में। सरसों का भाव 6,600 रुपये के नीचे फिसल गया है। सोयाबीन का वायदा 6,600 के करीब बंद हुआ है, करीब करीब 2.5% नीचे। सरसों 4% नीचे। सोया तेल में 4% की भारी गिरावट आई है और क्रूड पाम तेल 1,040 के नीचे फिसल गया। महीने भर में वायदा में दाम 10% तक टूट गए हैं। आज की तेज गिरावट के पीछे एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गिरावट आई है वो तो वजह है ही, दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि खाने के तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है और अगले हफ्ते इसके ऊपर फैसला हो सकता है। इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो बजोरिया जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या अभी और गिरावट बाकी है? आपने सही कहा कि 10% पीक से मार्केट नीचे आ गया है इंडियन फ्यूचर्स में, एमसीएक्स में, एमसीडेक्स में, और ये बहुत बड़ी गिरावट है। एक्चुअली देखने जाइए तो इंटरनेशनल मार्केट का टोन भी बेरिश बन चुका है। मलेशिया में इंडेक्स भी हमने देखा ऊपर में, जो 4400 से 4600 गई थी वो 3700 पे आ गई है, और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड भी जो है ऊपर में 72-73 सेंट था वो 67 सेंट पे आ गया है, और वहाँ प्रीमियम अर्जेंटीना में जो होते हैं वो भी भारी गिरावट आई है। तो ये सबको लेके जो पीक प्राइस थी सोयाबीन की $1500 की कीमत थी, वो आज सोयाबीन की कीमत हो गई आप समझ के चलिए $1245 की, $250 सोयाबीन की पीक कीमत से नीचे आ गया है। उस तरह से क्रूड पाम ऑयल की पीक कीमत $1300 की थी जून शिपमेंट की, वो $1300 की कीमत अभी आ गई है 1,065 की। सो अच्छा गिरावट आया है और कंज्यूमर को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है इसमें, और इंडियन मार्केट ने भी वही रिफ्लेक्ट किया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट में ये इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की बात 3-4 महीने से चल रही है और अभी तक डिसीशन नहीं हुआ। अब कह रहे हैं 2-3 दिनों में डिसाइड करेंगे, तो जब ड्यूटी घटाने का समय था जब तो कुछ किया नहीं, जब कीमतें एकदम चरम सीमा पे थी। अब जब कीमतें ऑलरेडी 10-15% गिर चुकी है, अभी ड्यूटी और घटाओगे तो मार्केट में और प्रेशर बनेगा, लेकिन इस रूमर से भी प्रेशर बन चुका है। एक्चुअल ड्यूटी घटेगी तो बहुत लंबा चौड़ा और प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन उससे डेफिनेटली ये सीड की जो कीमतें नीचे आई है तो ये एक असर पड़ा है, और अभी सोइंग का टाइम है तो थोड़ा हमें उस चीज़ में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन और ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटी जो आप मुझे पूछ रहे हैं वो तो इंटरनेशनल मार्केट का टोन बेयरिश है, हमें देखना होगा 1-2 दिन मंडे ट्यूसडे और थोड़ा गिरावट और आ सकती है। एट द सेम टाइम ड्यूटी का डिसीजन फाइनल क्या होता है, कितना परसेंट घटती है, या फिर डिसाइड करते हैं कि भाई कीमत गिर चुकी है तो ड्यूटी घटाने के बाद थोड़ी पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर ये भी विचार चल रहा था गवर्नमेंट में बीच में कि एक्चुअल ड्यूटी घटाने की जगह जो टैरिफ वैल्यू जिस पर ड्यूटी लगती है उसको नीचे की तरफ एक बार फ्रीज कर दिया जाए, हर 3-3 महीने में रिवाइज करें 15 दिन की जगह। तो बहुत सारी चीजें सजेशन उनके माइंड में, अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी। जी, मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि आपने ठीक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गिरावट आई और जो ड्यूटी की बात हो रही है उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जो अभी ऑयल के दाम कम हुए हैं, ड्यूटी का जितना भी रोल रहा हो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अलावा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो मार्केट ने रिएक्ट किया है, मार्केट ने ड्यूटी कट कितना परसेंट डिस्काउंट किया है इस गिरावट में? हाँ, एकदम बहुत सही मैथमेटिकल सवाल पूछा है आपने मृत्युंजय जी। इसमें आपने सही कहा कि ऑलरेडी अभी जिस तरह का आज का इंटरनेशनल मार्केट देखे और आज का लोकल मार्केट देखे तो मार्केट ने ऑलरेडी आप समझ के चलिए करीबन 5% ड्यूटी कट ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। सो ये सिचुएशन आज बन चुकी है। सो इसके लिए जो भी मार्केट गिरा है, हमने देखा कि जो CPO जो था MCX पे 1265 ऊपर में था और अभी 1033 है, तो 230-235 रुपए की जो गिरावट आई है MCX CPO में, ये इसमें आप 200 रुपए की गिरावट तो इंटरनेशनल मार्केट नीचे आने से आई है,
और ये 35-40 रुपए की गिरावट जो है ये ड्यूटी के इसमें आई है, तो करीबन आप समझिए 5% ड्यूटी ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है। तो आपने कहा कि 5% डिस्काउंट किया है, मतलब 35-40 रुपए की जो गिरावट आई है वो ड्यूटी की वजह से आई है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ड्यूटी नहीं बढ़ती घटती है तो क्या वो 35-40 रुपए मार्केट फिर रिकवर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा सर अगर ड्यूटी नहीं कट होती है तो? यस, अभी ड्यूटी घटती नहीं है तो इंडियन मार्केट 35-40 रुपया रिकवर हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक इंटरनेशनल मार्केट क्या रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट भी और गिरता रहा तो फिर तो वो नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल हो जाता है तो डेफिनेटली वो 35-40 रुपया वापस बढ़ सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को भी हमें मंडे ट्यूजडे और वॉच करना पड़ेगा। सो अभी तो संकेत इस तरह के ही है, सो मार्केट को सही दिशा मार्केट की मंडे और ट्यूजडे को मिलेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सही दिशा मार्केट की जो है वो मंडे और ट्यूसडे को मिलेगी, और अगला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होगा ड्यूटी के लिहाज से भी, देखते हैं क्या फैसला आता है और उसके बाद फिर मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट अभी हो रहा है मार्केट के ऊपर और आगे क्या संभावना दिख रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच IIP के नंबर आ गए हैं, ये जरा आपको बता दें, डिटेल अभी आने शुरू हो गए हैं और ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त अप्रैल में जो IIP की ग्रोथ है वो 134.4%, जी हाँ ये आंकड़े इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। हालांकि बेस बहुत नीचे रहा होगा तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। अप्रैल में माइनिंग की ग्रोथ -26.9% से बढ़कर 37.1% YoY साल दर साल बेसिस पे, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ -66% के आसपास थी जो बढ़कर अब 197.1%, तो चूंकि बेस बहुत नीचे था तो उसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल आंकड़ों पर देख पा रहे हैं। ये अलग अलग आंकड़े IIP के आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अप्रैल में प्राइमरी गुड्स ग्रोथ -26.6% से बढ़कर 37.1% ये रही है, और कैपिटल गुड्स की ग्रोथ -92.7% से बढ़कर 1077.1% YoY बेसिस पर, ये अलग अलग आंकड़े आपकी स्क्रीन पर IIP के इस वक्त दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अब करना क्या चाहिए। अजय जी अब आप बताएं कि जो खबर आई ड्यूटी की उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देख लिया, सोया तेल में अभी ट्रेड हो रहा है, क्या करना चाहिए इस पे? गुड इवनिंग मित्र जी, डेफिनेटली हमने देखा है कि अगर हम पाम ऑयल की बात करें सबसे पहले तो ऊपर हायर लेवल से जो हमने करीबन 26 मई को देखा था वहां से करीबन 18.5% टूट चुका है, जबकि रिफाइंड सोया ऑयल में भी हमने 13.25% से करीब की गिरावट आती हुई देखी है। तो आई थिंक जो स्पेकुलेशन चल रहा है ड्यूटीज को लेकर ये मुख्य कारण है। इंटरनेशनल में भी हमने प्राइजेस को थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए देखा। इंटरनेशनल में अगर हम मलेशिया की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा 3660 के करीब आ चुका है, जो सिग्नल तो डाउन साइड ही दिखा रहा है। तो टाइमिंग अगर छोटे निवेशक है उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे हमने रिसेंटली जो मूव देखा है ऐसा ही मूव हम अगले 2-3 सेशन में आते हुए देखेंगे। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो पाम ऑयल मुझे लगता है 1050 के नीचे कंटिन्यू मेंटेन करता है तो अगला सपोर्ट सीधा 960 का आता है। मतलब टेक्निकली तो काफ़ी ख़राब दिखा रहा है, बट जैसे हमने सुना बजोरिया जी से कि कहीं पे भी अगर सपोज कुछ ड्यूटी में डिले हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट और वोलेटाइल रहेगा। टाइमिंग मुझे लगता है काउंटर वीकनेस के साथ चल रहा है और टेक्निकली अभी मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़े हैं तो बेटर रहेगा सेल साइड ही रहिए, जहाँ पे सपोर्ट 960 तक पाम ऑयल का रहेगा। वहीं रिफाइन सोया ऑयल में भी हमें लगता है कि प्राइजेस में करीबन 1220 से लेकर 1180 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी सेल में रहना ही ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की, और हमारे साथ सुनील कटके भी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। सुनील जी आप बताएं, गोल्ड का मार्केट एक बार फिर से दबाव में आ गया है, क्या किया जाए इवनिंग मार्केट में, गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है गोल्ड $1902 तक छू के अभी फिर से $1887 के रेंज में आ गया है। जैसे आपने बताया थोड़ा दबाव में लग रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा रिकवर हो रहा है। इवन यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो था वो लोएस्ट आया है कोविड फर्स्ट वेव के टाइम हॉराइजन को देखते हुए, तो उसका थोड़ा दबाव जो है हमें
गोल्ड के प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है एवरी डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखने को मिल रही है। हमने कल भी देखा मार्केट सेकेंड सेशन में रिकवरी होते हुए, तो मेरा रिकमेंडेशन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें 49,100 की रेंज में एक बाय इनिशिएट करना चाहिए। अभी तकरीबन उसी भाव के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है, 48,800 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मैं यहां से थोड़ा बढ़ा देना चाहूंगा, 49,700 तक का एक टारगेट है, क्योंकि यूएस का एनुअल इन्फ्लेशन डेटा जो है एक्सपेक्टेड से हायर आया है, उसका सपोर्ट गोल्ड के प्राइस में देखने को मिल सकता है। ठीक है प्रथमेश माल्या जी, आपका व्यू इंट्राडे में आज के लिए, आज शाम के लिए गोल्ड में क्या है? हाँ जी, अगर आज के लिए कुछ करना है मेरे ख्याल से मैं थोड़े ऊंचे भाव पे सेल करूंगा, 49,280 एंट्री पॉइंट रहेगा और 49,470 स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 48,900 के रहेंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है पोजीशंस। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अनुराग जैन का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए जैन साहब। नमस्कार। नमस्ते सर। सर चन्नी पे सर चला चाहिए सर, किस भाव पे खरीदूं, किस टारगेट के लिए और टाइम पीरियड क्या रहेगा, जो भी टारगेट हो बताइए। अजय जी, चना किस भाव पर खरीदा जाए, किस टारगेट के लिए खरीदा जाए? देखिए ब्रदर जी, मुझे लगता है कि चने में अगर हम काफ़ी टाइम हो गया है कि 5100 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल जा नहीं पा रहा है, टाइमिंग मुझे लगता है 5100 का काफ़ी साउंड सपोर्ट है मार्केट में, करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है 5100 के नीचे का, मतलब 5080 के आसपास का स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखिए। अगर आप 10 से 12 दिन की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है कि 5350 तक का लेवल दिखा दे, क्योंकि इंट्राडे में हमने देखा मार्केट काफ़ी सीमित दायरे में और जो न्यू स्टॉक को लेकर थी उसकी वजह से दबाव था। अब जैसे जैसे मार्केट ओपन अप हो रहा है, डिमांड बढ़ेगी, तो इनको अगर 10 से 12 दिन का व्यू लेके चले तो 5350 से लेकर 5380 तक का लेवल मिल जाएगा एंड 5080 का स्टॉप लॉस रहेगा चेन्नई जुलाई वायदे में। ठीक है, एपी सिंह है हमारे साथ, पूछिए सिंह साहब। नमस्कार सर, मैं आपके सभी एक्सपर्ट्स को गुड इवनिंग बोलता हूँ। जी जी जी, गुड इवनिंग आपको भी जी। हाँ, और मेरा सबसे पहला एक रिक्वेस्ट ये है, आपके जितने भी एक्सपर्ट है वो ये समझ के टिप दिया करें कि वो एक खुद ट्रेडर है और किसी को एडवाइस देने के लिए दूसरे का पैसा लगा होता तो एडवाइस रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपके एडवाइजर्स ने कल एडवाइस दिया 5050 का एसएल लगा के उसको खरीदे, उसके बाद अगर 5050 का एसएल टूटता तो वो सेलिंग में आ जाएगा। कल 5020 का लो लगाने के बाद क्रूड वापस ऊपर 5120 आया और ऐसे ही कल गोल्ड एंड सिल्वर में आपके एक्सपर्ट्स ने बोला कि डेटा आना है और ये 100% जो है गोल्ड एंड सिल्वर। आप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें कई बार देखिए 100% देखिए, आप चाहेंगे कि एकदम बिल्कुल कट टू कट कॉल एकदम हिट हो जाए तो ये सर किसी के लिए संभव नहीं है, थोड़ी बहुत गुंजाइश ऊपर नीचे होने की रहती है। और अगर कोई भी एक्सपर्ट 100% सिक्योरिटी के साथ कॉल दे दे, उनको पता हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट का यही होना है, तब तो सर कहना ही क्या, तब तो ट्रेड ही बंद हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है, एक्सपर्ट बहुत हर संभव प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं कि आपको अच्छी कॉल दे, 80-90 से ऊपर भी कई बार उनकी एक्यूरेसी होती है, लेकिन कई बार आप एकाध कॉल मिस हो जाती है सर, तो उस पर अगर उस तरह से आप घेरेंगे तो फिर तो काम चलना मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि अभी आपको करना चाहिए। इस बीच कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कुणाल जी। हाँ सर, मेरा सवाल देने पे था। हेलो जी, पूछिए। मेरा सवाल धनिया पे था सर, ये चालू सीजन में इतना तेज था और अब सीजन का एंड चल रहा है और बाजार और घटते जा रहे हैं, इसका भविष्य क्या रहेगा सर? हेलो, बताइए अजय जी, क्या रहेगा फ्यूचर कोरिएंडर का? देखिए, धनिया में हमने देखा कि लॉकडाउन से पहले हमने अप्रैल मंथ में ही देखा था कि प्राइजेस करीबन 7500-7600 का लेवल दिखा दिया, एकाएक इस बार एक्सपेक्टेड ऐसा नहीं था कि सेकेंड वेव इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगा और लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा। तो जैसे ही हमने अप्रैल और मई में लॉकडाउन का इम्पैक्ट आते हुए देखा, प्राइस 7600 से कम हमने 6800 तक का लेवल आते हुए देखा। जैसे ही अनलॉकडाउन होना चालू हुआ,
कुछ अराइवल्स बाकी थे जो मार्केट में आने चालू हुए, जिसकी वजह से ये दबाव बना और हमने प्राइजेस को करीबन 6680 तक का लेवल बनते हुए देखा। इंटरनेशनल पोजीशन अभी भी टाइट है, थोड़ा बहुत रोमानिया बल्गेरिया का माल हो सकता है आ जाए, बट वो अगस्त मंथ में है, टाइमिंग नहीं है, पाइपलाइन खाली है। तो आई थिंक अगर ये सीजन की बात करें तो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है ये कहीं ना कहीं डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है। नो डाउट अगले एक 15-20 दिन के अंदर हम समझते हैं जैसे मलेशिया, चाइना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे और डिमांड इम्प्रूव होगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अभी जो दायरा बना हुआ है वो 6550 से लेकर 7150 का बना है। जब तक 7150 का लेवल नहीं तोड़ता है मार्केट ये दायरे में रहेंगे, बट करंट लेवल से मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव बन चुकी है धनिया, यहाँ पे लेके चलिए। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बताइए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर में शॉर्ट पोजीशन बनाना कुछ समय के लिए ठीक रहेगा क्या करंट सौदे में? बताइए प्रथमेश जी, क्या कॉपर में अभी इस भाव पर शॉर्ट करना बेचना ठीक रहेगा क्या, और अगर हाँ तो टारगेट क्या ध्यान में रखें? आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए इनको सही भाव जो 755 के आसपास आता है तो वहीं बेचना है। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, अगर आज के लिए ट्रेड करना है तो काफ़ी अपसाइड आ चुका है। मेरे ख्याल से हफ्ते का लास्ट वीक ट्रेड है, अगर आज ट्रेड न करें तो बेहतर है, बट फिर भी अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 755 पे एंट्री पॉइंट रहेगा क्रूड का, 758 स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 750 के लिए रहेंगे। ठीक है, राहुल हैं हमारे साथ नागौर से, पूछिए राहुल जी। सर जी मेरे को जानना कपास खली में कि कपास खली अभी ये पाई का लेवल आ गया है कि सोमवार के लिए कि अभी और नीचे आना है? बताइए अजय जी, कपास खली में क्या बाइंग का लेवल आ चुका है या अभी और नीचे आना बाकी है भाव का? देखिए मित्र जी, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि कपास खली में तेजी का रुख कायम रहेगा, ऊपर में 3300 तक का लेवल दिखा देगा। आप समझिए दो दिन के अंदर खाली 100 पॉइंट टूटा है और हमने रैली जो देखी है करीबन 500 पॉइंट की देखी है। तो आई थिंक मार्केट आज लोअर लेवल से थोड़ा उबरने की कोशिश जरूर की है, बट आई थिंक 2800 तक का लेवल अगर मिलता है वहाँ पे एक्चुअल में अच्छी बाइंग बनती है। हाँ, एक दो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सकते हैं, बट मेजर तेजी अब 3020 के ऊपर आने पे ही होगी। तो टाइमिंग थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए, 2800 का एक फेयर प्राइस रहेगा जहाँ पे हम लेके चलेंगे 2600 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और जो 3200 से 3300 तक का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है, क्योंकि इस बार जो सप्लाई है वो अक्टूबर में आनी, इन बिटवीन सप्लाई काफी कम रहेगी जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली कॉल। नितिन जी मुझे लगता है कल जैसे हमने गोल्ड में एक बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डेटा के बाद पॉजिटिव बना है, तो 49,000 के ऊपर गोल्ड को बाय करके चलिए, 48,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 49,400 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड को बाय करना चाहिए, 5120 एंट्री पॉइंट रहेगा, 5060 स्टॉप रहेगा, टारगेट 5210 के लिए रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल। नितिन जी मुझे लगता है कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वापस हमने दिखा है 745 के ऊपर, तो आई थिंक 750 पे लेके चलिए, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा 744-745, बट ओवरऑल हमें लगता है 760 तक के भी लेवल हम कॉपर में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।